了。好好好。आज कुछ जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? अरे माँ छुट्टी कर दी तो छुट्टी हो गई, और वो भी हमेशा के लिए। ये क्या कहता है? अरे हाँ माँ, स्कूल को तो मैंने दूर से राम राम कह दी, अब उस तरफ का कभी रास्ता भी नहीं देखूंगा मैं। तो क्या स्कूल की नौकरी छोड़ दी तुमने? स्कूल कहती हूँ माँ उसे, पूरा पिंजरा पोल है पिंजरा पोल। लेकिन बेटा ऐसा क्या हुआ? रूस और जर्मनी की लड़ाई होगी उस हेडमास्टर से माँ, और मैंने भी उसे ऐसी सुनाई कि जिंदगी भर याद करेगा। हाँ। मुझे कहता है घटाओ, मैंने कहा शराब। क्या मतलब? मतलब ये मुझे कहता है घटाओ यानी चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा शराब चुप रहो। तुम्हारा स्वभाव भी ठीक उन्हीं की तरह है बेटा। सच माँ? क्या सच में बाबूजी का स्वभाव मेरी तरह था? बाबूजी आप बताइए ना, उस कैद खाने में मैं कैदी की तरह पड़ा रहता तो आपको पसंद आता? नहीं देखो माँ, बाबूजी कहते नहीं। तेरे पिता जो ठहरे नहीं क्यों ना कहेंगे? मेरे पिता बहुत वीर थे, पिछली लड़ाई में दुश्मनों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, मैं भी उन्हीं का सपुत्र हूँ, मैं भी वीर बनूंगा। क्या क्या कहा तूने? तो मैं सीधा लड़ाई पर चला जाऊंगा। तुझे मेरे गले की सौगंध है अशोक, मैं तुझे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। पहली लड़ाई में तेरे पिता को खो चुकी हूँ, क्या अब भी कोई कसर रह गई है बेटा? अरे माँ तू तो कभी नहीं समझती, जो लोग लड़ाई पर जाते हैं तो सब कसर मारे जाते हैं, और फिर मैं तो 80 बरस तक जिंदा रहूंगा माँ, कल मुझे जोशी कह गया। 100 बरस जिएगा मेरा बेटा, स्कूल की नौकरी गई तो गई, दूसरी हजारों नौकरियां हैं तेरे लिए। अरे हाँ, श्यामा के पिता से क्यों नहीं मिलता? रईस आदमी है, श्यामा तुझे कहीं ना कहीं नौकरी लगा दी। तो तूने पहले क्यों ना कहा मैं आज ही श्यामा से मिलता हूँ, उन्होंने गरीबों के लिए एक स्कूल खोला हुआ है, शायद मुझे वहां नौकरी मिल जाए। लोग खाना खिलाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी। ये बात है बच्चों, ये है भारतवर्ष, हमारी जन्मभूमि, जिसके सर पर हिमालय का सुंदर मुकुट है, गंगा जमुना की पवित्र धाराएं जिस देश में बहती हैं, 40 करोड़ बच्चे जिसकी गोद में खेलते हैं, जिसकी धरती सोना उगलती है, जो स्वर्ण भूमि के नाम से सारे संसार में मशहूर है, ऐसा हमारा ये भारतवर्ष। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा। इसी देश में बहती है गंगा जमुना की धारा, इसी देश में बहती है गंगा जमुना की धारा, भारत देश हमारा।
आ रहे नंदू? ये भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? बाबा ने दीदी को घर बुलाया है। क्यों? दीदी को देखने के लिए कोई साहब आए हैं। क्या कहा? जी हाँ दीदी, दीदी कौन? नंदू क्या है? क्या है नंदू? दीदी बाबा ने तुम्हें घर बुलाया है। आती हूँ मैं, तू जा घर। नहीं दीदी, बाबा ने कहा है अपने साथ ले आना। ऐसा क्या काम आ गया नंदू? तुम्हें देखने आए हैं कोई। क्या मुझे देखने आए हैं? है अभी मरम्मत करती हूँ तेरी। सचमुच दीदी तुम्हें को देखने आए, बाबा ने कहा है मुझसे। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अजी इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे नमस्ते। आप कब आए? स्कूल नहीं गए आज? स्कूल में तो लग गई है आग। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए, आग बुझाइए जल्दी। पहले तुम तो घर जाओ, वहाँ कोई साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर जल्दी घर ना पहुँची तो रूठ जाएंगे और तुम्हें यूं ही कुंवारी रहना पड़ेगा। क्या हो गया है आपको? आग लगी है। आग कहाँ? सीने में। ओफो, तो स्कूल की आग अब आपके सीने तक आ पहुंची। नंदू दो जल्दी दो चार बाल्टी पानी लिया, इनके सीने की आग जल्दी बुझानी चाहिए, कहीं हमारे स्कूल में ना आग लग जाए। घर चला जल्दी। जाइए जाइए घर जाइए, वो इंतजार करते होंगे, जाइए। क्या आप भी आग नहीं बुझी? तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताती? आप होते कौन है? मैं होता कौन? हाँ हाँ कौन होते हैं आप? जी हाँ मैं कौन होता हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कौन होता? नमस्ते। हाँ हाँ मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? नमस्ते। दीदी दीदी तुम पहले घर चलो, बाबा ने तुम्हें बुलाया, चलो चलो। नंदू, ओ नंदू कितनी देर का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। भैया भैया तुम ही जरा जाओ झट से और श्यामा को अपने साथ ले आओ। कोई बात नहीं आ जाएगी। कहीं ना जाओ भैया, आ जाएगी वो अभी। स्कूल का काम छोड़कर भला एकदम कैसे चली आएगी? लेकिन स्कूल फिस्कूल के धंधे करने के लिए उसको कहा था किसने? ये सब तुम्हारी करतूत है, बहुत लाडली बेटी है ना, उसके सर पे ऐसे भूत सवार होते रहते हैं। दादा चाय? तुम्हें कहो भाई धन्नालाल, हम लोग खेले रईस और इस लड़ाई से तो रुपयों की बरसात होने लगी है घर में। इतना होने पर भी हमारी लड़की को गांव के कंगाल छोकरों को जमा करके लिखाने पढ़ाने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? नहीं नहीं मैं पूछती हूँ, आप ही बताइए इसमें बुराई क्या है? बुराई? राम 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 राम, इसमें बुराई जैसा क्या है? लेकिन क्या तुम इससे अच्छा काम करोगे धन्नालाल? नहीं नहीं मोटे राम जी, वैसे तो इसे अच्छा काम भी नहीं कहा जा सकता। अरे मैं तो श्यामा को पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार ही नहीं था। हम जैसे अमीरों को पढ़ने लिखने से वास्ता ही क्या है? वास्ता? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मैंने भी अपने राजा बाबू को दूसरी क्लास के आगे नहीं पढ़ने दिया। क्यों? वाह वाह वाह, ऐसे क्यों कहते हो? मैं भी तीसरी क्लास में जाकर फिर नहीं हो गया। और हमारी श्यामा क्या कहते हैं उसको, मेंटिक फेंटिक, उसमें पहले नंबर आई है, अभी तो 20 बरस की भी नहीं है। जी दादा मैं अब कितने साल का हूँ? ये आ गई हमारी श्यामा। क्या है बाबूजी, किस लिए बुलाया है मुझे? अरे ये तुझे देखने आया है ना लाला धन्ना भाई, और ये है उनके सुपुत्र लाला मिट्टू लाल। मुझे देखने आए हैं आप लोग? देखिए देखिए श्यामा श्यामा, जी जी कहाँ हो तुम? अच्छी तरह देख लीजिए, कहिए तो चश्मा ले आओ। नहीं नहीं तुम्हें देखना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं नहीं आप आए तो थे देखने के लिए, तो देख लीजिए। ये देखिए, बैलों की तरह मेरे सर पर दो सींग है, गधों की तरह मेरे लंबे लंबे कान है, हाथी की तरह मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं और ऊंट की तरह मेरी पीठ पर कुबड़ है। जल्दी बाहर तो आना। रहने दीजिए मोटे राम जी, फिर कभी मिलूंगा, अब मैं जाता हूँ। चल बेटा मिठू, कहाँ मर गया मिठू? अरे बेटा मिठू। बाबा मैं आऊ, मुझे डर लगता है। अबे चल जल्दी चल। आपको करनी है मुझसे शादी? बाबा ये मुझे मारती है। चल शेर के बच्चे। श्यामा तुमने क्या किया? इतने बड़े खानदानी रईस तुझे देखने आए और तूने उनका इस तरह अपमान किया? मैं क्या दूसरों को दिखाने के लिए गाय हूँ, भैंस हूँ या बकरी हूँ? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ बाबूजी। वो दिन गए जब माँ बाप गाय दल की तरह लड़के लड़कियों की शादियाँ कर दिया करते थे। शादी किससे करूँ किससे न करूँ ये मेरा सवाल है। क्या हुआ बेटी? देखा, इतने बड़े रईस को अपने घर बुलाया और तुम्हारी लाडली बेटी ने उनका अपमान करके उन्हें भगा दिया। मैंने नहीं बुलाया उन्हें, तुमने बुलाया है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि देखो श्यामा से बिना पूछे उसके ब्याह शादी के झंझट में मत आओ। मुझे क्या पड़ी थी तुम्हारे झंझट में पड़ने की? तुम्हें तो कहा था।
श्यामा की शादी कर डालो, श्यामा की शादी कर डालो। मैंने कभी नहीं कहा, तुम ही कह रहे थे कि श्यामा की शादी जल्दी कर डालनी चाहिए, कह रहे थे ना। अब झूठ क्यों बोलते हो? मैं झूठ बोलता हूँ या तुम? तुम तुम मैं झूठ हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ मैं। अच्छा बाबा अच्छा, मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, तुम सब सच्चे। नहीं, पेट और पेट मिलकर एक हो गए हैं। गलियों में दोनों तरफ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे हड्डियों के ढेर। जहां जाइए लोगों की चीख पुकार हाहाकार सुनाई पड़ता है। किसी भी गली से जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए, मुर्दे ही मुर्दे नजर आते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष, मैं कहता हूं अगर आप लोग वो नजारा देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। मैं खुद अपने आप को संभाल न सका, एक जगह गिर पड़ा। ये चोट भी आ गए मुझे। अरे अरे अरे, आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा। अजय, मुझमें इतनी हिम्मत ही कहां। आपने मेरा दिल नहीं देखा, इतना कोमल है, इतना कोमल है, मैं कैसे बताऊं आपको। नागपुर पहुंचकर जैसे ही मैंने दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरा दिल ही बैठ गया। आगे बंगाल तक बढ़ने की हिम्मत ही न हुई, तो लौटती गाड़ी से वापस चला आया। क्या हुआ सर? क्या चकाचक बेसन के लड्डू बने हैं आज, लेकिन बेचारे बंगाल के कंगाल, उन्हें ऐसे लड्डू नसीब कहां। बस इसे ख्याल में आंसुओं की जगह लगा दिया।
मोटेराम जी, ये रोने धोने का वक्त नहीं है। बंगाल रिलीफ फंड के लिए फौरन हमें चंदा इकट्ठा करना चाहिए। बोलिए आपके नाम पर क्या लिख दूं? मेरे नाम पर लिख दो 5,000 रुपए। रकम तो अच्छी है मोटेराम जी, लेकिन जमा कब हो गया? यार तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो जनावर। आज की सभा सिर्फ चंदे की रकम आंकने के लिए है, देने के लिए नहीं। और फिर एक बात और है, जब किसी फंड में बड़ी बड़ी रकमें आंकी जाती हैं, तब समझ लो वो कभी दी जाने वाली नहीं है। अखबारों में नाम छप गया, बस हो गया। ऐसा है तो मेरी तरफ से लिख डालिए 3,000। मेरे भी 3,000 और मेरे 4,000। अच्छा तो 5,000 मेरे भी। वाह क्या खूब, सब मिलकर 20,000 इकट्ठे हो गए। 20,000? हाँ हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब आपने अपनी रकम नहीं बताई। अजी मैं तो इस फंड का सेक्रेटरी हूँ, मेरी तरफ से क्या रकम लीजिएगा? उल्टे आप लोगों को चाहिए इस रकम से हर महीने 500 रुपए मुझे बतौर मेहनतारा दे दिया करें। डॉक्टर साहब जी, आपका एहसान मैं कभी ना भूलूंगा। सिर्फ आपके कहने से ही मैंने उस वक्त 10,000 रुपए की क्विनाइन खरीदी थी, आज उसकी कीमत 1,00,000 है। भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, देखो कहीं भूल न जाना। अजी बेफिक्र रहिए, आजकल चांदी ही चांदी है। 5,00,000 की दवाइयां और अनाज भर रखा है। अगर लड़ाई 3 साल और चली तो बस समझो वारे के नारे हो गए। 5,00,000 के 50,00,000 न बनाए तो बस मूछे मुनवा देना मेरी। डॉक्टर साहब लड़ाई जल्दी तो नहीं खत्म हो जाएगी? अजी कम से कम 5 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ। 5 साल? हाथ मिलाओ दोस्त, हाथ मिलाओ, तुम्हारे मुंह में घिसक कर। लड़ाई क्या आ गई है, हम व्यापारियों के लिए पैसा पैदा करने की फसल आ गई है, रुपयों को खेत लगे हैं, खेत बस काटते जाओ, घर भरते जाओ। डॉक्टर साहब राम कसम सच मानिए, मैं नहा धोकर सबसे पहले श्री रामचंद्र जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे दया सागर, अगर ये लड़ाई 5 साल चलने वाली हो तो 10 साल चले, और 10 साल चलने वाली हो तो 50 साल चले। मोटेराम जी, आज श्यामा नहीं दिखाई देती? श्यामा? अरे ये श्यामा, श्यामा क्या है बाबूजी? अरे ये डॉक्टर साहब बुला रहे हैं तुझे। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई देती श्यामा, मैंने वो टॉनिक लिख दिया था, वो रोज नहीं लेती शायद। मुझे हुआ है क्या है डॉक्टर? यहाँ जरा आंखें देखो तुम्हारी। श्यामा, श्यामा माफ कीजिए। अरे अरे श्यामा, अरे कहाँ चली? मैं अभी आई बाबूजी, अशोक मुझे बुला रहे हैं। माँ, माँ तुम हम पर नाराज तो ना होगी? सच बताओ नाराज तो ना होगी? अरे पगले, माँ कभी अपने बच्चे पर नाराज हो सकती है? हाँ नहीं तो मैंने कहा तुम लाल पीले हो गई, झट से रोना शुरू कर दिया और हमें जाने भी ना दोगे। कहाँ कहाँ जा रहा है तू? लड़ाई पर। लड़ाई पर? हाँ माँ लड़ाई पर, मुझे हवाई जहाज का काम मिल गया है। बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत बहादुर हवाबाज बनूं, आज वो दिन आ गया है। मां मां मुझे जाने दो, जाने दो मां मुझे। भगवान भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं इस घड़ी का सामना कर सकूं। भगवान कहीं मैं धीरज न खो बैठूं, धीरज दो भगवान। मां तुम वीर पत्नी हो, अब वीर माता बनो। हमारी भारत माता आज मुसीबत में है, दुश्मन ने उसकी पवित्र जमीन पर हमला कर दिया है और वो हमें मदद के लिए पुकार रही है। मां तुम मेरी मां हो, लेकिन वो मुझ जैसे 40 करोड़ बच्चों की मां है, अगर हम ही उसकी मदद ना करें तो और कौन जाएगा? मां तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो अशोक। जियो बेटा, जाओ वीर बनो, देश में तुम्हारा नाम होगा। जरूर होगा, देश ही में नहीं बल्कि सारे संसार में अशोक का नाम होगा। श्यामा आओ बेटा, तुमने सुना है अशोक कल जा रहा है, चलो मुंह मीठा तो कर लो, आओ चलो ना बेटा।
अरे श्यामा, मैं कल एयर ट्रेनिंग के लिए कैंप जा रहा। क्या कल? हाँ कल। तुम नहीं समझ सकोगे मुझे कितनी खुशी है श्यामा। जी चाहता है कि परिंदों की तरह आसमान में उड़ता ही चला जाऊं। मालूम होता है हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले ही आप आसमान में उड़ने लगे हैं। बचपन में मैं हमेशा ख्वाब देखा करता था कि मेरे दोनों हाथों पर पंख उगाए हैं और मैं आसमान में उड़ रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां। आज मालूम हुआ कि मैं वो ख्वाब क्यों देखा करता था। मैं भी बचपन में ख्वाब देखा करती थी। एक दिन देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस आया और मुझे आसमान में दूर दूर बहुत ऊपर ले गया और ऊपर ले जाकर वहां से उसने मुझे छोड़ दिया। मैं एक समुन्द्र में गिर पड़ी। आज मुझे मालूम हुआ वो राक्षस कौन था। कौन था वो राक्षस? ये जो खड़ा है मेरे सामने। तुम पुरुष बड़े निर्दयी होते हो, कभी दूसरों के दिल की परवाह नहीं करते। ऐसा ना कहो श्यामा, मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसे नहीं है, मुझे अकेले को छोड़कर आप हवाई जहाज में उड़ने चले हैं। सुनो श्यामा, मैं अपना हवाई जहाज लेके यहां तुम्हें लेने आऊंगा। हम दोनों उसमें बैठकर ऊंचे ऊंचे आसमान पर जाएंगे, चांद सितारों की नगरी से होते हुए सारी दुनिया घूम डालेंगे। फिर मैं रहूंगा और तुम रहोगी और मैं। ऊपर हो चांद तारा नीचे जहान सारा, ऊपर हो चांद तारा नीचे जहान सारा। बीच में हम तुम प्यार करेंगे, हाँ बीच में हम तुम प्यार करेंगे। प्यार करेंगे हम बेहार करेंगे, प्यार करेंगे हम बेहार करेंगे। हम तुम मिलकर प्यार करेंगे, हाँ हम तुम मिलकर प्यार करेंगे। एक और डोले परिंदों की टोली, एक और तारे दिले अपनी टोली। एक और डोले परिंदों की टोली, एक और तारे दिले अपनी टोली। किरणों का हम तुम श्रृंगार करेंगे, किरणों का हम तुम श्रृंगार करेंगे। ऊपर हो चांद तारा नीचे जहान तारा, ऊपर हो चांद तारा नीचे जहान तारा। बीच में हम तुम प्यार करेंगे, बीच में हम तुम प्यार करेंगे। उड़ते उड़ते ऊँचे ऊँचे जाएंगे हम दोनों, उड़ते उड़ते ऊँचे ऊँचे जाएंगे हम दोनों। सोता हुआ सूरज जगाएंगे हम दोनों, सोता हुआ सूरज जगाएंगे हम दोनों। जग में सवेरा बताएंगे, गाएंगे जग में सवेरा जगाएंगे, गाएंगे। मीठे सुरों से हम गुलजार करेंगे, हाँ मीठे सुरों से हम गुलजार करेंगे। गुजार करेंगे हम व्यवहार करेंगे, गुजार करेंगे हम व्यवहार करेंगे। जग में हम तुम प्यार करेंगे, हाँ जग में हम तुम प्यार करेंगे। उड़ते उड़ते सजन कहीं बादल जो छाए, मंजिल हमारी हमें नजर ना आए, मंजिल हमारी हमें नजर ना आए। फिर हाथों में हाथ लिए हिम्मत का साथ लिए, हाथों में हाथ लिए हिम्मत का साथ लिए। मंजिल को अपने हम पार करेंगे, हाँ मंजिल को अपने हम पार करेंगे।
पार करेंगे हम व्यवहार करेंगे, पार करेंगे हम व्यवहार करेंगे, जग में हम तुम प्यार करेंगे, जग में हम तुम प्यार करेंगे। मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रही हो आज? कितने अच्छे मालूम होते हैं आप इस लिबास में, जी चाहता है आपके और देखती ही रहूं। अच्छा बताइए तो हवाई जहाज में बैठने से कैसे मालूम होता है? जैसा तुम्हारे पास बैठने से मालूम होता है हम स्वर्ग में बैठे। तो खुशखुश आप कल चले जाएंगे ना, जाइए मुझे रह जाइए। तुमने तो लड़ाई लड़ाई को हंसी और मजाक समय रखा है जैसे कोई घर की बात होती। मालूम है बर्मा में कितनी जबरदस्त लड़ाई हो रही है और एक एक मिनट मेरे वहाँ जरूरत है। मैं भी आऊँ आपके साथ। तुम मेरे साथ चल के क्या करोगी? मैं छाया बनकर आपके साथ रहूंगी और दुश्मनों से हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा प्रेम जब तक मेरे साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं। लेकिन अशोक मुझे भूलोगे तो नहीं? तुम्हें भूलना अपने आप को भुला देना है श्यामा। सजनवा भूल हमें ना जाना, सजनवा भूल हमें ना जाना। सजनिया धीरे धरो ना घबराना, सजनिया धीरे धरो ना घबराना। ओ बालमुआ दूर देश में जाकर बालम लागी प्रीति निभाना। सजनी धीरे धरो ना घबराना, सजनवा भूल हमें ना जाना।
सजनवा भूल हमें ना जाना, जल्दी खाऊंगा प्यारे देखूंगी राह तिहारी, जल्दी खाऊंगा प्यारे देखूंगी राह तिहारी, पतिया लिख लिख दूर देश में लागे प्रीत निभाना, ओ साजना लागे प्रीत निभाना, सजनिया धीर धरो ना गबराना, सजनिया धीर धरो ना गबराना, सजनवा भूल हमें ना जाना, सजनवा भूल हमें ना जाना। दुनिया में तो फिर तकती रहूंगी मैं प्यारे, दुनिया में तो फिर तकती रहूंगी मैं प्यारे, नतिया मजा होंगे सजन गिन गिन तारे, नतिया मजा होंगे सजन गिन गिन तारे, जल्दी से नया ना घबराना, याद आए जो मेरी तो यही गीत तू गाना, याद आए जो मेरी तो यही गीत तू गाना, क्या सजनवा भूल हमें ना जाना, सजनवा भूल हमें ना जाना।
तंदुरुस्ती तो आपकी बहुत ही अच्छी है। अजी ये कहने के लिए आप जैसे जोशी जी की क्या जरूरत है, ये तो कोई भी देखकर कह सकता है कि मेरी तंदुरुस्ती चकाचक है। गए साल आपके यहाँ कोई गमी हो गई थी? गमी? गमी? जी 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 जी, क्या बकते हैं आप? क्यों बाबा, अपने यहाँ वो बिल्ली का बच्चा नहीं मर गया था? हाँ हाँ हाँ, हमारे पड़ोस में गधे का एक बच्चा भी मर गया था। कोई भी मरा हो लेकिन मर गया ना, आज मरना ही चाहिए, जरूर मरना चाहिए। मेरा ज्योतिष कोई बात गलत नहीं कह सकता। आपकी स्त्री का आप पर बहुत ही प्रेम है। हाँ, इसीलिए शायद रोज झगड़ा होता है। अरे मैं कहाँ झगड़ती हूँ, तुम ही उल्टी सीधी बातें करने लगते हो। देखो झूठ ना बोलना। हाँ हाँ बाबा, झूठ ना बोला, तुम ही माँ से झगड़ा करते हो। अबे गधे के बच्चे, बाप के खिलाफ बोलता है, चल निकल यहाँ से। भाई वाह वाह वाह। क्यों, क्या बात है? आपकी धन रेखा तो गजब की है। यानी बहुत पैसा मिलेगा? मिलेगा क्या, अभी कुछ कम है, कम से कम 10 लाख तो होंगे ही। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। क्यों? अरे बाबा कोई इनकम टैक्स वाला सुन लेगा। अजी ये कुछ नहीं है, एक साल के अंदर देखिए कम से कम 50 लाख तो जरूर हो जाएंगे। 50 लाख? या 50 लाख अगर नहीं मिले तो ज्योतिष छोड़ के हजामत करना शुरू कर दूंगा। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। हिंदुस्तान में तुम जैसा ज्योतिषी मिलना बहुत मुश्किल बात है। ए जी, इन्हें 1 रुपया दे दो। बस सेठ जी, 1 ही रुपया? हाँ ठीक तो है, अगर इसी तरह तुम्हें दौलत लुटाएंगे तो हमारे पास 50 लाख रुपए कैसे जमा हो जाएंगे? अच्छा ये तो बताओ, लड़ाई कब खत्म हो जाएगी? लड़ाई? बस ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने में। 2-4 महीने में? जी हाँ। क्या निकल यहाँ से, तुम्हारे जैसे गधे जो किसी हिंदुस्तान में नहीं होंगे। एजी रुपया रहने दो। क्यों क्यों? अबे ज्योतिषी के बच्चे, अगर लड़ाई 2-3 महीने में बंद हो जाएगी तो हमारे जैसों को लाखों रुपए कहां से मिलेंगे? कम से कम 5-25 बरस तो चलनी चाहिए। वंडरफुल न्यूज मोटेराम जी, लड़ाई और चलेगी। आइए आइए, राम कसम ये है सच्चे ज्योतिषी। चलो निकलो यहां से, छोड़ो ये शुक्र शनिचर, हज्जाम की पेटी लो हाथ में। बम्बार्डमेंट, मद्रास पर बम बरसे, कलकत्ते पर हवाई हमला, अब बंबई की बारी है। हजारों लोग शहर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। अपने यहां सुबह से बहुत आदमी आ गए होंगे। यानी अनाज का भाव आसमान पर हो जाएगा, और जो स्टॉक भर रखा है उसका कहना ही क्या, 10 गुनी कीमत हो जाएगी उसकी। जय हो राम, धरा है तुम्हारी लीला। ये लड़ाई तुमने क्या शुरू कर दी है, दुनिया वालों पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। जय हो राम, धरा है तुम्हारी लीला। लेकिन लाला जी, इतनी माया इकट्ठी करके करोगे क्या तुम? थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा है उसमें, कम से कम अपना घर जमाई तो बना रहा हूं मुझे। वाह वाह, राम कसम डॉक्टर साहब, ये भी खूब दिल लगी रही। आज इतनी देर हो गई, कहां चली गई थी तू सामा?
कहीं नहीं बाबूजी, बंबई से भाग भाग कर जो लोग हमारे शहर में आए हुए हैं ना, उन बेचारों के पास ना तो खाने पीने के लिए अन्न पानी है और ना रहने के लिए जगह। बाबूजी, उन बेचारों की सेवा करना हमारा धर्म है ना, बस उन्हीं की मदद करने के लिए हम दोनों गए हुए थे। कुछ लोग तो इतने गरीब हैं बाबा कि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं। मैंने अपने सब कुर्ते गरीब लोगों को बांट दिए हैं। बहुत अच्छे। अरे क्या भूत सवार हुआ है तुम दोनों के सर पर, बाप का दिवाला निकाल के ही तुम लोगों को चैन पड़ेगी। अजय सुनते हो क्या है? नहीं नहीं, तुम्हारे सपूत ने अपने सब कपड़े बंबई के भिखारियों को दान कर दिए हैं और ये लड़की अपना खून पसीना एक कर रही है उन बेवकूफों के लिए। कितने अच्छे हैं मेरे बच्चे, भगवान इन्हें 100 वर्ष की उम्र दे। तुम भी मिल गए हो ना इन्हीं में। बाबूजी, कल हम उन गरीबों को अनाज बांटने वाले हैं। अपनी दुकान से 20 बोरे बाजरी और 20 बोरे ज्वार आप हम लोगों को देंगे ना? हाँ हाँ, दे डालो ना। अरे जिंदगी में एक तो पुण्य का काम करो, स्वर्ग मिल जाएगा। क्या खाद देंगे? इतनी ज्वार बाजरी है कहाँ अपनी दुकान में? झूठ ना बोला बाबा, दुकान के नीचे तहखाने में जो बोरियों के ढेर के ढेर लगे हैं वो मुझे सब मालूम है। हाँ। अरे धीरे से बोल बदमाश, कोई सुन लेगा। बाबूजी, अगर कल हमें अनाज नहीं मिला तो मैं इस घर में पानी भी नहीं पीऊंगी और मैं भी भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा। बस 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 बस, बहुत हुआ। तुम लोगों ने मेरा दिवाला निकालने की ठान रखी है, कहाँ से आप मरे हैं ये बंबई के भिखारी, मुफ्त में मेरा अनाज ही क्यों बांटना चाहिए? सारे मर क्यों नहीं जाते? मैं पूछता हूँ गरीबों को दुनिया में जीने का अधिकारी क्या है? बाबूजी, है बेटी। अच्छा अच्छा, कल उठा के ले जाना एक बोरा, नहीं तो तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे। और देखो, भिखारियों से जरा दूर रहना, शहर में कॉलरा फैला हुआ है, अभी अभी डॉक्टर साहब कहते थे। जी, मैं जरा दुकान पे। कितनी अच्छी है मेरी लाडली। और हाँ मैं। हाँ तू भी नटखट। क्या कोई एक्सीडेंट मालूम होता है? कुछ पता नहीं चलता, देखो तो क्या घबराई नहीं, मैं कोशिश करता। अरे भाई, मैं बर्मा गया था अभी एक छौनी पर बमबारी के लिए। वहां जंगल में देखा कि एक जापानी सिपाही इस नौजवान लड़की पर अत्याचार कर रहा था। अच्छा। मैंने उसी वक्त उसे खत्म कर दिया। अच्छा। और इस लड़की को छुड़ा कर ले आया। अगर मैं 2 मिनट वहां देरी से पहुंचता नादान इस बेचारी पर। डॉक्टर, और सी डॉक्टर, अब कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। लेकिन लेकिन उससे आराम और तसल्ली की जरूरत। थैंक यू डॉक्टर। आप आराम कीजिए। लेकिन मैं हूं कहां? आप डरिए नहीं, आप अब हिंदुस्तानी छावनी में हैं। लेकिन लेकिन वो लोग तो यहां नहीं है ना? अरे वो लोग यहां कहां? उन लोगों को तो मैंने वहीं खत्म कर दिया था और तुम्हें हवाई जहाज में बिठाकर यहां ले आया हिंदुस्तान में। मैं बहुत खुश हूं कि तुम अब होश में आ गई हो। आपने मेरी जान बचाई, आप मेरे लिए परमात्मा से किसी तरह कम नहीं। उन बदमाशों ने मेरे माता पिता को किस बुरी तरह मारा। अगर अगर आप ना होते तो वो लोग मुझे भी जिंदा ना छोड़ते। अच्छा, अब आप सो जाइए। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे यहाँ डर मालूम होता है। आप यहीं बैठिए। बैठिए ना।
अच्छा अब मैं अपने क्वार्टर में जाता हूँ और तुम यहाँ आराम करो। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं नहीं तुम मेरे क्वार्टर में नहीं आ सकती, तुम यही हॉस्पिटल में आराम करो। सो जा। श्यामा श्यामा क्या हुआ मेरे नंदू को? नंदू नंदू घबराओ नहीं भैया, हम हैं तुम्हारे पास। डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? ठहरो मैं देखती हूँ। नंदू मेरा नंदू। चलिए जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा था सर में कालरा फैला हुआ है, नंदू को कहीं बाहर घूमने फिरने न देना। मैंने कितना समझाया मगर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, नंदू को कब से उल्टियां हो रही है। डॉक्टर साहब नंदू को अच्छी दवा दीजिए, मैं अभी आया, मुझे दुकान में जरूरी काम है। चिंता नहीं कीजिए लाला जी। आगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे नंदू को कोई ऐसी दवाई दो जिससे ये जल्दी अच्छा हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब। घबराओ नहीं सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ मैंने सोचा वही। क्या कॉलरा? कॉलरा? हे भगवान क्या होगा? चिंता ना कीजिए, जब तक ये अच्छा ना हो जाएगा तब तक मैं अपना काम काज छोड़कर इसके पास ही बैठूंगा। बीमार है, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरा नंदू बीमार है। नंदू भैया मुरिन जा रहे, कोई देख कर आओ नंदू कैसा है। नंदू मेरा नंदू, नंदू नंदू कैसा है मेरा नंदू, कैसा है मेरा बच्चा नंदू, नंदू नंदू। बाबा बेटा बेटा तुम कैसे हो? बाबा नंदू बिल्कुल अच्छा हो गया, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेरा मेरा नंदू बच गया, अब बिल्कुल अच्छा हो गया। बच गया नंदू? थैंक यू भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू नंदू बच गया, नंदू बच गया। बेटा मैं जाता हूँ। हाँ देखो मंदिर में जाओ और दो पैसे की मिठाई बांट दो, नंदू बच गया, नंदू बच गया भाई।
अब मैं जा सकता हूँ श्यामा? डॉक्टर, आपने हमारे लिए बड़ी तकलीफें उठाई और नंदू की जान बचाकर आपने जो हम लोगों पर एहसान किए हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने क्या किया है श्यामा, ये सब तुम्हारे अच्छी नर्सिंग की बदौलत है। मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी नर्स हो सकती हो। नजाकतों से उन्हें जगाना, नजाकतों से उन्हें जगाना, आवाज तेरा उधर हो जाना। बड़े ही लोग मुजाज है वो और हुस्न के सर के ताज है वो, बड़े ही नाज मुजाज है वो और हुस्न के सर के ताज है वो, बड़े ही अंदाज से उठेंगे तू मस्त नगमे उन्हें सुनाना, तू मस्त नगमे उन्हें सुनाना, आवाज तेरा उधर हो जाना, संदेश मेरा दिले जाना, आवाज तेरा उधर हो जाना। नीला देवी, अशोक साहब आपको बहुत जल्द बुला रहे हैं वहाँ पायलट रूम में। क्यों जी, फिर ऐसा क्यों ना करूं? तुम जैसी जवान लड़कियों को पुरुषों से दूर ही रहना चाहिए नीला। ये बात है तो सुनो, एक बार क्या मैं हजार बार तुम्हारे गले का हार बनूंगी, कर लो तुमसे जो कुछ करते बने। नहीं नीला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम कितने अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ऐसा ना कहो, तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकती, मैं किसी और का हो चुका हूँ। किसके हो चुके हो? श्यामा का। मैं श्यामा से प्रेम करता हूँ और श्यामा मुझसे प्रेम करती है। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए ही हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। देखो तो तुम्हारी श्यामा सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। तुमसे क्या, दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई है ही नहीं। देखो तो। अगर मैं ये फोटो फाड़ डालूं तो क्या आप मुझसे नाराज हो जाएंगे? फाड़ डालूंगी मैं फोटो। नीला, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं तुम्हें पसंद नहीं, तुम इसे छोड़कर मुझसे प्रेम नहीं कर सकते।
सच्चे प्रेम का मतलब तुम नहीं समझती हो नीला, किसी को धोखा देने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। बर्मी लड़की के दिल को तुमने अभी तक नहीं पहचाना है अशोक, हम जिसे प्यार करते हैं उसे पाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, अशोक तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, किस लिए उन जालिम जापानियों के हाथ से मुझे बचाया? अच्छा होता माता पिता की तरह मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर डालते तो मैं कितनी सुखी होती। संगदिल जालिम शैतान। नीला, नहीं तो तुम ही मेरा गला घोंट डालो, जिन हाथों से बचाया था उन्हीं से खत्म कर डालो। आज मुझे मालूम हो रहा है कि दुनिया में सचमुच मैं अकेली हूँ, माँ नहीं बाप नहीं, जिसने मुझे बचाया मुझे जिंदगी दी वो भी मेरा नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, किसको रोना सुनाऊँ? नीला, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो मैं अभी जाकर अपनी जान दे देती हूँ। और ले नीला पर नजर रखो, उसका दिमाग खराब हो गया। आजा सिलोने से पहला हो, आजा सिलोने से पहला, बेदर्दी पिया कहाँ चुके हो, बेदर्दी पिया कहाँ चुके हो, तेरी रामा का जत दिल रहना, अब आजा बिला मान करना, तेरी रामा का जत दिल रहना, अब आजा बिला मान करना, आजा सिलोने से पहला, ये दर्द पिया कहाँ चुपे हो, ये दर्द पिया कहाँ चुपे हो। फिर आई बदरिया खारी, तुम कहाँ चुपे बनवारी, तेरे तन तक राम हारी। फिर आई बदरिया खारी, तुम कहाँ चुपे बनवारी, तेरे तन तक राम हारी, तो बिन ब्याह फूल खाए तो नैना, अब तो आजा बिना मान करना, तो बिन ब्याह फूल खाए तो नैना, अब तो आजा बिना मान करना, आजा सिलोने से पहला, मैं दर्द पिया कहाँ चुपे हो, मैं दर्द पिया कहाँ चुपे हो। बरसात का मौसम हथिया ठंड हवा है, बागों में झूले डाल के हम झोले अघाले, बागों में झूले डाल के हम झोले अघाले, जंगल में मोर फिरते हैं अब खेलिया करते, एक हम जो तेरी याद में जीते हैं न मरते, एक हम जो तेरी याद में जीते हैं न मरते, तो बिन ब्याह फूल खाए तो नैना, अब आजा पिया मान करना, तो बिन ब्याह फूल खाए तो नैना, अब आजा पिया मान करना, आजा सिलोने से पहला, मैं दर्द पिया कहाँ चुपे हो, मैं दर्द पिया कहाँ चुपे हो। Thank you.
क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ, बोलो बेटी क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं माँ, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। फिर एक औरत बहुत भयानक सूरत की थी, वो मेरे सीने पर सवार होकर मेरी आंखों के सामने मेरा कलेजा निकालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। दूर पगले, बस इतनी सी बात से डर गई? अरे बिटिया, सपने में तो मैं हजारों दफे मर चुकी हूँ। नहीं माँ। क्या हुआ, क्या हुआ बिटिया को बाजी? कुछ नहीं, मैं ही सोती सोती चीख पड़ी। अच्छा अब तुम आराम करो, सो जाओ बिटिया। अरे बावली, सपने भी कहीं सच्चे होते हैं। सो जाओ बेटी। यस सर। मेरी चिट्ठी और तस्वीर यहाँ मेज पर पड़ी थी, कहाँ गई? हुजूर मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके कमरे में आया ही नहीं। नीला यहाँ आई थी? हुजूर वो तो सुबह ही कैंप छोड़कर चली गई। चली गई, कहाँ चली गई? हुजूर वो जो डांस पार्टी आई थी ना, बस उन्हीं लोगों के साथ। अच्छा भैया। ओ भैया। जी बहन जी। कोई चिट्ठी आई मेरी? नहीं बहन जी। इतने दिन हो गए, एक भी चिट्ठी नहीं आई उनकी, क्या भूल गए हमें? श्यामा, हैं? तुम यहाँ बैठे हो और हम वहां रिहर्सल में तुम्हारी कब से राह देख रहे हैं? अरे माफ कीजिए, मैं बिल्कुल भूल गई। डॉक्टर, सचमुच कल को रेड क्रॉस के जलसे में आपने मेरा गाना रखा है, अगर मैं ना आई तो? नहीं नहीं श्यामा, मैंने तो तुम्हारा नाम प्रोग्राम में छपा दिया है। सच कहता हूँ श्यामा, अगर तुम ना आई तो लोग मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। डॉक्टर जी, मेरे अलावा और किस किस के प्रोग्राम है? वो नीला नाम की बर्मी लड़की आई है ना आसाम से, वो भी शायद नाचे, लेकिन जलसे की कामयाबी का दारोमदार तो तुम पर ही है। आओगी ना तुम? अच्छा आऊंगी। कभी तो जागो है सोने वालों, कभी तो जागो है सोने वालों, वो किस Thank you.
को घर दिखा लो दुनिया को एक होकर मिला लो दिल अब तुई को धोकर दिखा दो दुनिया को एक होकर नमस्ते। ओ नमस्ते, आपकी आवाज में कितनी कशिश है, कितना मिठास है। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, मगर इससे ज्यादा आपके नाच में जो कमाल है वो मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं नहीं, आप तो मुझे बना रही हैं, भला मैं इस काबिल कहाँ श्यामा देवी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? भला आप जैसी सुंदरी को कौन नहीं जानता। मुझे ये नहीं मालूम था कि वाकई आप इतनी सुंदर हैं। अब मैं नहीं बल्कि आप मुझे बना रही हैं। अरे आपका नाम पूछना तो भूल ही गई मैं। मुझे नीला कहते हैं, आप यही रहती हैं ना? शादी हो गई है आपकी? हाँ जी नहीं, लेकिन तय हो गई है। बिल्कुल यही बात मेरे साथ भी है, लेकिन न जाने वो कब आएंगे। वो कौन? अच्छा समझी, कहाँ गए हैं आपके वो? बर्मा फ्रंट पर। क्या क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे वो भी वही हैं हवाई जहाज पर, और सुना है कि अब तो उन्होंने बड़ी तरक्की पाई है। अरे वाह, ये भी खूब रही। क्यों? मेरे वो अशोक भी पायलट हैं। क्या नाम लिया आपने? अशोक। ये देखिए उनका फोटो, कितने सुंदर हैं। ये फोटो आपके पास कैसे आया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब? यही कि ये सब झूठ है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगी, और वो भी इनके बारे में जिन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे अपने पास रखा, मुझ पर दया करके मुझे वो चीज दान दी जिसे दुनिया प्रेम कहती है। मुझे तो इन्हीं का सहारा है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे अशोक ऐसे नहीं। लाओ लाओ ये फोटो मेरा। तुम फोटो छीन सकती हो, सिर्फ फोटो ही तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वो मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और मेरे ही रहेंगे। तो क्या वो अपना वचन भी भूल गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना वचन तोड़ा नहीं बल्कि निभाया है। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें बुलाने की याद उन्हें मैं जरूर दिला दूंगी, जरूर आना। झूठे झूठे डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ नीला देवी? देखिए ना कुछ हो गया। श्यामा, श्यामा होश में आओ, होश में आओ श्यामा। डॉक्टर ले चलिए मुझे यहां से। चलिए। कहो नीला देवी,
आपने श्यामा से ऐसी कौन सी बात कही जिससे वो नाराज और दुखी होकर चली गई? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वही मेरे अशोक को अपना अशोक बताती है। तो क्या तुम्हारी शादी अशोक से तय हो गई है? जी हाँ, अगले महीने में। बिल्कुल झूठ, मैं अशोक को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सबको धोखा दे सकती हो मगर मुझे नहीं। वाह, मैं किसी को क्यों धोखा दूं? अशोक ने अपने वचन के साथ साथ मुझे ये अपना फोटो भी दिया है, देखिए। ये दूसरा झूठ है, भलाई इसी में है कि तुम मुझे सारी बातें सच सच बता दो, वरना वरना क्या करेंगे आप? वो भी तुम अच्छी तरह जानती हो, झूठे का परिणाम बहुत बुरा होता है। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो कुछ सच है, मुझे यकीन है कि अशोक तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम ही अपने झूठे प्रेम से उसके गले पड़ रही हो, शादी की झूठी बात बताकर श्यामा का उसकी तरफ संबंध घेरने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके सिवा दूसरा उपाय क्या है डॉक्टर, आप ही बताइए। तो यूं कहो ना, लेकिन तुम फिर भूल कर रही हो, हर खतरे के काम में आदमी को अपना एक मददगार जरूर बनाना चाहिए। मानती हूँ और आप इसे मदद देने की कृपा भी चाहती हूँ। बंदा हाजिर है, आप अपनी चीज पाइए, मैं अपनी। अच्छा, तो यूं कहिए कि चोर के साथ गिरह कट बने। लो बेटा ये ओवल्टीन पी लो, थोड़ी सा तो लाई हूँ, पी लो बेटी, जिद मत करो। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता, कल से तूने खाए क्या है? लो पी लो, लो, लो। क्यों फजूल तंग कर रही हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब, एक दाना भी नहीं पड़ा है इसके पेट में, कुछ बोलती चालती भी नहीं, बस रोती ही रहती है लगातार। फिक्र न कीजिए, मैं अभी ठीक कर दूंगा इन्हें। आप जरा बाहर जाइए। ये क्या पागलपन है श्यामा, देखो तो जरा, जरा मेरी तरफ तो देखो, हंस दो, हंस दो, दैट्स अ गुड गर्ल। अब निकाल डालो अपने दिमाग से फितूर। मैं पागल हो जाऊंगी डॉक्टर। मैं तो तुम्हारे से पहले ही पागल हो चुका हूं, सच कहता हूं श्यामा, यही कहने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं इस हालत में नहीं डॉक्टर कि आपके मजाक का मजा ले सकूं। क्या तुम इसे मजाक समझती हो? नहीं श्यामा, मैं सच कहता हूं अपने दिल से, तुम सुंदर हो, होशियार हो, लेकिन देखो नाराज न होना, तुम एक बच्ची की तरह भोली भाली हो, अनजान हो इस दुनिया से, तुम तभी सुखी हो सकते हो जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी हर बात माने, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें डांट डपट कर अपने काबू में भी रख सके, तुम्हारी तबीयत को, तुम्हारे दिल को जितना मैं समझ पाया हूं इतना और कोई नहीं, ये तो तुम मानोगे। नहीं डॉक्टर। मेरी पूरी बात तो सुनो, निंदू की बीमारी में हम दोनों 10 दिन और 10 रात लगातार साथ साथ बैठ रहे, इन 10 दिनों में हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब पहुंच गए हैं, शायद 10 साल भी हम साथ साथ रहते तो न पहुंच पाते, इस तरह हमारे ये दिल जो एक बार मिल गए हैं क्या कभी दूर हो सकेंगे? डॉक्टर आप बहुत अच्छे हैं, आपने हम लोगों पर बड़े एहसान किए हैं, आपको इनकार करते हुए मुझे न जाने क्या मालूम होता है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारा दिल मांग रहा हूं श्यामा, तुम्हारा प्रेम। मेरा दिल, मेरा प्रेम, ये दोनों मैं कब से अशोक को दे चुकी हूं। अशोक को? अशोक ने तुम्हारे उस दिल की, तुम्हारे उस प्रेम की क्या हालत की तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं, वो सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसलिए मैं कहता हूं तुम अनजान हो, नादान हो, बेवकूफ हो, अशोक जैसे दगाबाज बदमाश को। डॉक्टर अशोक के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। अशोक, वही अशोक जिसने तुम्हारे प्रेम के कली को अपने पैरों से मसल दिया, एक नाचने वाले पर आशिक होकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा ना कहो डॉक्टर। हाँ, उन्होंने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दे दो मुझे वो टुकड़े, मैं तैयार हूं उन्हें लेने के लिए, मैं अपने दिल का खून निकालकर उन टुकड़े को जोड़ दूंगा, तुम्हारे दिल में एक नई जिंदगी ला दूंगा। यह नामुमकिन है डॉक्टर, प्रेमी के टूटे हुए दिल को भगवान भी नहीं जोड़ सकते, भला आप क्या जोड़ेंगे? तुमसे इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करना फिजूल है, बच्चे जब दवा न पीने की जिद करते हैं
तो जबरदस्ती उनका मुंह खोलकर दवा डाल दी जाती है। तुम अगर अपनी मर्जी से मुझसे प्रेम न करोगी तो जबरदस्ती तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। होश में हो या नहीं डॉक्टर, ये क्या कह रहे हो? इस तरह मुझे धमकी देने का तुम्हें क्या अधिकार है? मुझे क्या अधिकार है? अगर यही तुम्हें बता दूंगा तो मेरे कदमों पर सर रख दोगी तुम। मुझसे मिन्नत करोगी, शादी कर लो मुझसे। अब मैंने तुम्हारा असली रूप देखा, अब मैंने तुम्हें पहचाना। नंदू की बीमारी में वो तुम्हारा आना जाना, वो तुम्हारा रात रात भर मेरे साथ जागना, इन सब में धोखा और फरेब छिपा हुआ था। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। जब तक तुम हाँ ना कह दोगी मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? देखती हूँ कैसे नहीं जाते। बाबा बाबा, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बुलाता हूँ उन्हें। मोटेराव मोटेराव है? ओहो, कौन डॉक्टर साहब? मोटेराव, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? श्यामा बाबा, इन्हें यहाँ से निकाल दो और कह दो कि चाहे दुनिया भर के सब पुरुष मर जाए और सिर्फ यही बाकी रहे, फिर भी तुम्हारी लड़की इनसे शादी नहीं करेगी। मोटेराम, मुहूर्त कब रखते हो शादी का? पागल तो नहीं हो गए बाबा? निकाल दो इन्हें यहाँ से। अरे मजाक कर रहे हैं, इतना भी नहीं समझती तू पगली? यार खूब मजाक करते हो तुम भी डॉक्टर। मोटेराम, ये मजाक नहीं। अगर दो दिन में तुम्हारी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या करोगे तुम? क्या करूंगा मैं? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में तुम्हारे बाबा को कम से कम 10 साल के लिए जेल भिजवाने का इंतजाम करूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ये क्या भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पर? जरा बाहर चलो, मैं सब कुछ समझाता हूँ। पहले मुझे समझाओ ये क्या मामला है। मैं समझाता हूँ सर, की कसम है डॉक्टर साहब। शट अप। श्यामा, तुम्हारा बाप इस शहर के ब्लैक मार्केट का राजा है। लाखों रुपए का अनाज और दवाइयां इन्होंने छुपा रखी है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के मुताबिक इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है कि फांसी की सजा भी इनके लिए कम होगी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरे बाबा ब्लैक मार्केट के राजा। श्यामा, तेरे लिए, नंदू के लिए, अपने घर के बेहतरी के लिए मैंने सब कुछ किया। श्यामा, डॉक्टर साहब, दवाइयों का जो कुछ कमीशन अभी तक आया मैं तुम्हें देता रहा, फिर भी तुम मेरा गला दबा रहे हो। तुम्हारी श्यामा नहीं मिली तो जरूर दबाऊंगा तुम्हारा गला। अभी पुलिस में जाकर रिपोर्ट करता हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जरा ठहरिए, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। श्यामा, इनसे हाँ कह दो ना, इतने बुरे तो है नहीं है। अगर तू हाँ ना कहेगी तो तेरे पिता का मुंह काला हो जाएगा, एक घर गृहस्थी धन दौलत सब में आग लग जाएगी। हाँ कह दो बेटी। तुम्हें पिता कहते भी मुझे शर्माती है बाबा। अन्न बिना देश में अकाल पड़ रहा है, गरीब दाने दाने के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं और तुम अपनी कोठरियों में ढेर के ढेर इकट्ठे करके लाखों रुपए कमा रहे हो। तुम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हो, देश के सबसे बड़े दुश्मन हो, आजादी के सबसे बड़े दुश्मन हो। नहीं श्यामा, ऐसा न कहो। तुम जैसे पिता को जेल भेजना, यही हर एक हिंदुस्तानी लड़की का कर्तव्य होना चाहिए। डॉक्टर साहब, फौरन पुलिस को इत्तला कर दीजिए। मैं जाता हूँ मोटेराम। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बेटी, मेरी सुन लो, ये लड़ाई का मौका बड़ा अच्छा आया है, कमा लेने दो मुझे लाखों रुपए। ऐसे लाखों में लगे आग। आग? डॉक्टर साहब जल्दी चलो, कहीं आग लगी है। और अपनी दुकान में भी? हाँ, आग लगी है। डॉक्टर साहब दौड़ो दौड़ो, मेरी दुकान में आग लगी है, दौड़ो। जो दुकान को आग लग गई, बहुत हरामी था, भगवान ने भी खूब सजा दी, ब्लैक मार्केट की कमाई खाक में मिल गई। भगवान ने अच्छी सजा दी शैतान को, कमीना नादान। मेरा बच्चा, इसीने मेरा बच्चा मार डाला। हे भगवान, अपने प्यारे भक्त पर इतने नाराज क्यों हो गए? इस लड़ाई में बनाए हुए 10 लाख रुपए तो खाक हो गए। अब मुझे फिर अमीर बनाने के लिए आपको और एक लड़ाई जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। राम। हाँ राम, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं कहीं की भी ना रही। अपनी दुखी माँ को छोड़कर तू ना जा श्यामा। पाप से भरे हुए इस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती माँ। क्या मतलब बेटा? बाबा ने जो पाप किए हैं उसके लिए मैं दुखी गरीबों की सेवा किया करूंगी। मैंने नर्स बनकर लड़ाई पर जाने की ठान ली है। ना बेटी ना जा, अपनी दुखी माँ पर तरस कर ना जा। मुझे ना रोको माँ, जाने दो मुझे, बेटी मेरी बच्ची।
एक्सक्यूज मी नीरा देवी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने सुना वो चली गई। हाँ, वो नर्स बनकर बर्मा फ्रंट पर जाने वाली है, शायद वो अशोक से मिलने के लिए वहाँ जा रही होगी। जाने भी दीजिए, मेरा ख्याल है अब श्यामा अशोक का मुंह भी नहीं देखेगी। अशोक मेरा है, सिर्फ मेरा। अच्छा, कल ही चली मैं अपने अशोक के पास। मैं भी कमीशन लेकर बर्मा फ्रंट पर जा रहा हूँ, वहाँ अगर श्यामा मिल गई तो। तो फिर हम दोनों साथ ही क्यों ना चलें? क्यों नहीं? हेलो मिस्टर अशोक, मैं खूब मिले। डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे? मैं कमीशन लेकर यहाँ आया हूँ। अच्छा, ये बैठिए बैठिए, कहिए क्या पियेंगे आप? बॉय। अच्छा ये बताइए, वहाँ के क्या हाल है? श्यामा मिली थी आपसे, कैसी है वो? मुझे तो बहुत अरसे से उसका कोई खत ही नहीं आया। अब उसका खत तुम्हारे पास आए? ये मुमकिन ही नहीं। हा? क्यों? मेरे यहाँ आने से एक महीना पहले उसकी क्या क्या हुआ बोलो। उसके उसकी शादी हो गई। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मिलते ही मैंने तुम्हें ऐसी बुरी खबर सुनाई। माफ करना, लेकिन इसका इलाज ही क्या है? श्यामा का इसमें कोई कसूर नहीं। क्या करती बेचारी, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती। अच्छा, मैं जाता हूँ। अशोक। नमस्ते, मैं यहाँ कल आई। नाराज हो मुझसे? माफ कर दो, जाने से पहले सचमुच मैं बहुत सी गलतियां कर गई थी। तुम्हारी चिट्ठी चुराई, श्यामा की फोटो फाड़ डाली। तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया नीला। क्या मतलब? श्यामा ने मुझे धोखा दिया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे परेशान ना करो नीला, मैं पागल हो जाऊंगा। शायद तुम्हारे सर में दर्द है, लाओ मैं दबा दूं। मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार हूं, जो कुछ भी तुम कहो। नीला तुम जरा बाहर जा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब तो तबीयत ठीक है ना? श्यामा जरा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। डॉक्टर मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और आप भी, यहाँ प्राइवेट बातें करने का कानून नहीं। प्रेम का कानून और दूसरे किसी कानून की परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? अशोक की शादी तो नीला से हो चुकी, अब तुम्हें मेरे साथ शादी करने में? शादी? शादी और संसार को मैंने अपने जीवन से सदा के लिए ठुकरा दिया है। देश के दुखियों की सेवा करने के लिए ही मैंने नर्स का, सन्यासिनी का जीवन अपनाया है। तो क्या तुम सदा इसी तरह रहोगी? नहीं नहीं श्यामा, तुम्हारा ये रूप इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम सिर्फ हाँ कह दो, करिए हम दोनों यहाँ से चल देंगे। डॉक्टर एक बार कहा सो कहा, दोबारा ऐसी बातें करने की तकलीफ ना कीजिए, वरना अधिकारियों से कहकर मुझे आपको कोर्ट मार्शल के सामने खड़ा करना पड़ेगा। क्या बात है जी? जापानियों पे बमबारी करने गए थे, दुश्मनों ने इनके हवाई जहाज पे गोले चलाए, जख्मी हो गए बेचारे। बहुत बड़ी इनकी किस्मत की, ऐसे हालत में भी ये छावनी वापस आ गए। डॉक्टर डॉक्टर उनकी हालत बहुत खराब। नर्स नर्स डॉक्टर अच्छे हो जाएंगे? नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा न कहिए। माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ प्राइवेट बातें करने का कानून नहीं है। तुम अपना काम करो। नर्स ड्रेसिंग का सामान लाओ, जल्दी करो। मुझे यहाँ क्या हुआ? मुझे आपको सख्त चोट आ गई थी। चोट? आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं, पिछले 8 रोज आप बेहोश थे, अब कुछ कुछ ठीक हो रहे हैं। सचमुच तुम श्यामा हो? श्यामा श्यामा, लेकिन तुम यहाँ? यहाँ नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं इस हॉस्पिटल में नर्स हूँ, आप आंखें बंद करके सो जाइए। तुम मेरे सामने रहो और मैं आंखें बंद करके सो जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जवाब दो, मेरे प्रेम को, मेरे जीवन को आग लगाकर मुझे मुंह दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने आपके जीवन को आग लगाई? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं कहती हूँ आप लेट जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं लेटूंगा। जवाब दो,
मुझसे झूठा प्रेम जिताकर तुमने दूसरे से शादी क्यों की? दूसरे से शादी क्यों की? क्योंकि मेरे सीने में इतने जख्म किए, क्या उससे आपको तसल्ली नहीं हुई? जो और ऊपर से नमक छिड़कते हो, किसने किससे प्रेम किया, किसने किससे शादी की, ये बाद में देखा जाएगा। अभी आप आराम कीजिए। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। डॉक्टर, डॉक्टर, इस नर्स को निकाल दो यहाँ से। शांत रहिए, शांत रहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें बताओ डॉक्टर, मुझे धोखा देकर इन्हें दूसरे से शादी करने का क्या अख्तियार है? किसने कहा मेरी शादी हो गई है? तुम यहाँ से चली जाओ शामा। खुद शादी की तो की और ऊपर से। शामा, किसने शादी की? आपने शादी करके मेरे प्रेम को ठुकराया है। अशोक, शामा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने शादी नहीं की। और मैंने भी शादी नहीं की। आपने शादी नहीं की? तुम ही कहो डॉक्टर। कहो कहो डॉक्टर, इनकी शादी हुई या नहीं हुई? तुम लोगों के साथ बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मीला के साथ आपकी शादी हो गई है, ये मुझसे डॉक्टर ने कहा। और तुम्हारी शादी होगी, ये भी मुझसे डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने कहा? झूठे कहेंगे, झूठे कहेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, शोर मत मचा, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है। तो ये डॉक्टर साहब की शरारत है। डॉक्टर साहब, देखिए मेरे सीने में कितनी दर्द हो रही। अरे यहाँ अच्छा जी, बदमाश, दो प्रेमियों को धोखा देने वाले, तो जैसे कमीने को क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं तो ऐसा ना कीजिए। स्क्वाड्रन लीडर अशोक, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मिस्टर अशोक, आपने गोले बारूद के अड्डों पे अपनी जान की परवाह न करके बम बरसाए। इस बहादुरी के सिले में सरकार ने तुम्हें DFC दिया है। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अशोक। थैंक यू। श्यामा, देखती क्या, देखती क्या? जाओ ना, जरा डॉक्टर साहब के जख्म पर मरहम पट्टी लगाया। जाओ 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 ना। उड़ते उड़ते कभी ना कभी बादल तो छाए, उड़ते उड़ते कभी ना कभी बादल तो छाए। मंजिल हमारी हमें नजर ना आए, मंजिल हमारी हमें नजर ना आए। फिर हाथों में हाथ लिए हिम्मत का साथ लिए, हाथों में हाथ लिए हिम्मत का साथ लिए। मंजिल को अपने हम पार करेंगे, हाँ मंजिल को अपने हम पार करेंगे, पार करेंगे हम ये हार करेंगे, पार करेंगे हम ये हार करेंगे। जग में हम तुम प्यार करेंगे, हाँ जग में हम तुम प्यार करेंगे। Thank you.